फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं मावे से काले गुलाब जामुन, और जो हम लोग नॉर्मल गुलाब जामुन खाते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने पहले 150 ग्राम जितना लिया है खोया यानी कि मावा, और उसको हम लोग पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ग्राइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो जो हमारे गुलाब जामुन है उसके अंदर गुठलियाँ रह सकती है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको बारीक कर लिया है। तो अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना मैदा लिया है, और मैदा डालने के बाद में हम लोग डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर हमें 2 टेबल स्पून जितना ही कॉर्नफ्लोर लेना है, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में हम लोग इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो वो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। और अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मसल कर लेंगे। हमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और जो मावा है उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसका एक आटा लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके अंदर दूध, पानी ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हो सके तो हम लोग उसका ऐसा ही आटा लगा कर लेंगे, पर अगर आपका आटा नहीं लग रहा तो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना दूध या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त है, इसीलिए इसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून जितना दूध ऐड करेंगे। और दूध डालने के बाद में हम लोग इसको फिर से मिक्स कर लेंगे, और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो गुलाब जामुन का आटा रहता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मतलब ज़्यादा भी पिलपिला नहीं। जैसा हम लोग नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, हमें उसी तरह से इसका आटा लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको अच्छी तरह से मसल कर इसका एक आटा लगाया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग बनाएंगे पहले चाचरी। तो जिसके लिए मैंने 1 कटोरी जितनी चीनी ली है, और उसके अंदर हम लोग डालेंगे 1.5 कटोरी जितना पानी। तो फ्रेंड्स, जो गुलाब जामुन की चाशनी रहती है वो थोड़ी पतली ही रहती है, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोगों को इसको थोड़ा सा पतला रखना है। इसके लिए मैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर इलायची। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची का इस्तेमाल किया है, जिसको कि मैंने बारीक कूट कर लिया है, तो वो अभी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आपको गुलाब जामुन के अंदर इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारी चाशनी है वो उबल चुकी है, तो जब तक हमारी चाशनी गाढ़ी हो रही है तब तक हम लोग गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने छोटी छोटी लोइयां तोड़कर रेडी की है, और अभी हम लोग इसको दोनों हाथों के बीच में रखकर थोड़ा सा प्रेस करते हुए दोनों हाथों को घुमाएंगे, और जो लोई है उसको गोल शेप दे देंगे इस तरह से। पर फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो चाशनी है वो रेडी है। तो अभी हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है, और उसके अंदर हम लोग डालेंगे ऑयल। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाते वक्त हमें नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नॉर्मल कढ़ाई ही लेनी है, और उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालना है, क्योंकि अगर हम लोग ऑयल का कम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो नीचे की साइड से चिपक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक एक करके गुलाब जामुन इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिए जब हम लोग गुलाब जामुन डालते हैं तब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इसके अंदर पहले 1 गुलाब जामुन डालकर देखा था, तब ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, तो इसकी वजह से वो गुलाब जामुन जो है वो नीचे की साइड से चिपक रहा था। तो इसीलिए याद रखिए कि गुलाब जामुन का जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे ही हम लोग इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड कर देंगे, वैसे ही हम लोग गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे, और लो फ्लेम पर ही हम लोग इसको पका कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा कर हिला कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारे गुलाब जामुन है उसकी साइज़ डबल हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे,
तो फ्रेंड्स इसको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, पर जल्दबाजी मत कीजिए, हमें इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम लोग हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे तो वो ऊपर की साइड से पूरी तरह से ब्राउन होंगे पर अंदर की साइड से वो कच्चे ही रहेंगे और फिर वो शुगर सिरप को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम लोग इसको किस तरह से फ्राई कर ले रहे हैं और हमें इसको लगातार चलाना है। और आप लोग देख सकते हो अब इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और थोड़ी देर बाद हम लोग इसको निकाल कर लेंगे और इसको चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें से आधे गुलाब जामुन ही निकालेंगे और आधे गुलाब जामुन जो है वो हम लोग काले गुलाब जामुन बनाने के लिए रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो जो भी हमारी चाशनी है वो भी हल्की सी गर्म है, तो हमें इसको गर्म चाशनी के अंदर ही डालना है, वरना जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको साइड में रखेंगे और जो बाकी के गुलाब जामुन हैं हम लोग उनको और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन होते हैं उनमें बस इतना ही अंतर रहता है कि जो नॉर्मल गुलाब जामुन है उसको हम लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर आने के बाद में निकाल कर लेते हैं और जो काले गुलाब जामुन हैं उन्हें बस हमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक कलर आने तक हम लोगों को उसको सेकना है, यानी कि फ्राई करना है। तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक के लिए इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो अब इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है, तो अभी हम लोग इसको निकाल कर लेंगे और इसको भी हम लोग चाशनी के अंदर डालेंगे। पर उससे पहले जो ये पहले गुलाब जामुन है उसको हम लोग निकाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जो वो गुलाब जामुन है वो भी कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं और वो भी एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो अभी हम लोग काले गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल देंगे और इसको भी हम लोग आधे घंटे के लिए चाशनी के अंदर ही छोड़ेंगे। एक बार हम लोग इसको हिलाकर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आधे घंटे बाद आप लोग देख सकते हो जो काले गुलाब जामुन है उसने भी चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। और फ्रेंड्स ये दोनों भी गुलाब जामुन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।